नमस्कार। सो ये एक ना जनरिक वीडियो है, क्योंकि तीन चार लोगों ने सवाल एक्चुअली एक ही बंदे ने पूछा था, तो मैंने कहा जितनी देर में मैं रिप्लाई लिखूंगा बहुत अच्छा रहेगा कि ये वीडियो सबके पास पहुंचे। और देखिए, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि मेरे वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, चाहे हमसे आप काम कराएं ना कराएं, हमारी प्रीमियम सर्विस लें ना लें, बट एटलीस्ट आपको सही जानकारी मिले, यही मेरा मकसद है। और मैं हमेशा नहीं कहता, बट ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, सिर्फ इस वीडियो को नहीं, मेरे इस चैनल को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और सही जानकारी देखिए कट ऑफ्स की नहीं है, वो तो बहुत और लोग हैं जो शायद मुझसे बेटर काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी टीम बिठा रखी है। वो बिल्कुल आपको एक आधे घंटे बता देते हैं कि फलाना कॉलेज में अपडेट आ गया है, ढिमकाना कॉलेज में कट ऑफ आ गई है। हमें दो चार घंटे लगते हैं, तब तक मैं देखता हूँ कि कोई और डाल ही चुका है, सबके पास पहुँच ही चुका है, तो हम उस पर वीडियो क्यों बनाएं, हम अपनी जानकारी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए रखते हैं। हाँ, बट डेफिनेटली हम हर 15 मिनट में हर अपडेट को ट्रैक नहीं करते, क्योंकि मेरा मानना है वो ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में ठीक है अर्जेंसी है, पर इतनी भी नहीं है ना कि हर 5 मिनट के अंदर कुछ हो रहा है। तो हमेशा 3-4 दिन का समय दिया जाता है, तो हमारा एक रूटीन है कि एक शाम को ऑफिस बंद करते समय और एक सुबह सुबह के हम सारे अपडेट्स को, सारे स्टेट्स को चेक कर लेते हैं। उससे ज़्यादा आफत कभी आज तक हुई नहीं है कि भाई ऐसा कोई नोटिस आ जाए जो सुबह 11 बजे आके शाम को 4 बजे ख़त्म हो जाए। सवाल क्या था? सवाल ये था, सर आप जाते हो, किन्हीं की आप तारीफ़ करते हो, किन्हीं की बुराइयाँ करते हो, क्योंकि ये काम ना बहुत कम लोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ आपको कट ऑफ्स की और फीस की जानकारी देते हैं, कुछ ही 2-4 लोग हैं जो हिम्मत दिखाते हैं आपको रिव्यूज़ देने की। तो सवाल ये था कि रिव्यूज़ जो आपको मिलते हैं सर, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना, जब आप फूड ब्लॉगर्स को देखते हो तो वो जहाँ भी खाना खाने जाते हैं तारीफ़ ही करते हैं, क्योंकि उस बात में उनको पैसे मिलते हैं। तो मैं ना हमेशा समझाता हूँ, और ये आप सब समझिए सर, मेरे लिए नहीं सबके लिए, और फिर आप जजमेंट कीजिए। MBBS की पढ़ाई ना हिंदुस्तान में बिल्कुल यूनिक है, और ये शायद आपको एक और चीज़ बताएगा कि MBBS कोर्स को छोड़ने से पहले 10 बार सोचिए अगर आप BDS या आयुर्वेदिक के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि MBBS एकमात्र कोर्स है इंडिया में जो MBBS ग्रेजुएट होते हैं, जिसकी डिमांड है और सप्लाई कम है, इसलिए तो हम सब MBBS करने के लिए भागते हैं। इंडिया में नहीं मिलता तो अब्रॉड जाते हैं। और मैं NMC से बात कर रहा था, मैं तो मुँह पे कहता हूँ, कहता था, यू नो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी टुच्ची कंट्री में हम MBBS करने जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से एक डिग्री लेनी है जो इंडिया में वैलिड है और जिसकी वजह से हम इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बच्चा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, वहाँ सेटल होने कभी नहीं जाता, करेक्ट? तो हिंदुस्तान के MBBS कॉलेज की इतनी डिमांड है, 1,10,000-8,000 टोटल सीटें हैं इस साल एज ऑफ नाउ, जिसमें आधे ज़्यादा सरकारी हैं, और 10 लाख लोगों ने नीट क्वालिफाई करा है, चाहे वो BTech हो, चाहे LLB हो, चाहे BBA हो, चाहे BCA हो, चाहे MBA हो, हिंदुस्तान में ना सीटें भरी पड़ी हैं। सो डेफिनेटली वो कॉलेजेस उस कोर्सेज के लिए एजेंटों को कमीशन देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर हिंदुस्तान के भैया IIM, IIT इस टाइप के कॉलेज को छोड़ दो, सो 80% कॉलेजेस बिल्कुल कमीशन देते हैं, एडमिशन के लिए भी, मार्केटिंग करने के लिए भी, अच्छा वीडियो बनाने के लिए भी। लेकिन MBBS में ना 90% कॉलेजेस को ज़रूरत ही नहीं है, शायद 95%, मतलब कि अगर आप सरकारी तो वैसे छोड़ दो, सरकारी को क्या जरूरत है, प्राइवेट में भी आ जाओ। एक तरफ आप सभी लोग फ़ोन करते हो, 200 नंबर वाला, 250 नंबर वाला मरा जा रहा है, सर कैसे भी सीट दिला दो। तो जब मार्केट में ये डिमांड है MBBS की सीट की, कि जो मैं मुंह पे नहीं लूँगा, पर जो मेरी नज़रों में जैसे कहते हैं ना कि MBBS प्राइवेट इंडिया के जो बॉटम 10 कॉलेज हैं, बॉटम 10, जिसमें 1-2 हरियाणा के आएंगे, 3-4 UP के आएंगे, 1 राजस्थान का आएगा, 1-2 मध्य प्रदेश के आएंगे, तो बॉटम 20 पकड़ लेते हैं, अरे उनकी भी सीटें फुल हो रही हैं, लास्ट ईयर हुई ना अपने आप। तो किसी को ना हमें कमीशन देने की क्या ज़रूरत है? MBBS में उल्टा होता है। हाँ, ये भी बता दूँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी की, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की, जिनकी डिमांड कम है, वो भी इसलिए कम है कि वो स्टार्ट करते हैं ना 24-23 लाख की फ़ीस से, तो उनका पैकेज बन रहा होता है 1.25-1.3, वो इस उम्मीद से करते हैं कि देने वाले लोग मिल जाएं। अब लास्ट ईयर 2022 में नहीं मिले, 21-20 में मिल गए थे, तो उन लोगों ने डिस्काउंट दिए, और शायद बिल्कुल कुछ कंसल्टेंट्स को, हम मुझे भी फ़ोन आए थे कि सर आप, मैं फिर से, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मुझे लेने में कोई कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं, लेकिन आप समझ गए ना, मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि पौंडेचेरी की डीम्ड और तमिलनाडु की मोस्टली डीम्ड। क्या आपने कभी सुना है कि कर्नाटका की किसी भी डीम्ड ने फीस कम करी, या महाराष्ट्र की किसी भी डीम्ड ने फीस कम करी, या MMU मुलाना ने फीस कम करी, या अमृता ने फरीदा फीस कम करी, या SKBS वडोदरा ने फीस कम करी, या उड़ीसा के दोनों कॉलेजेस जो कलिंगा IIMS है, इन्होंने फीस कम करी? क्या आज तक इनमें से किसी ने कभी फीस कम करी है? क्या किसी के लिए फ़ोन आए हैं?
अरे आप तो हमेशा ऊपर से पैसे देने को तैयार बैठे हो। तो इसलिए MBBS में ना कॉलेज से तो हमें कभी कुछ मिलता ही नहीं है, और मैं तो खैर लेता नहीं, किसी को नहीं मिलता, एक ही चीज़ को समझ लीजिए। दूसरा होता है कि पैसा कमाने के दो तरीके। देखिए मैं भी जन सेवा तो करने यहाँ बैठा नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ वीडियो से बना लेता हूँ, बट अल्टीमेटली मेरे को भी तो काम करना है ना, अपना परिवार अपनी कंपनी चलाने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों से पैसे मांगता हूँ ना, 2500 मांगता हूँ, 5000 मांगता हूँ। शायद आपको नहीं पता कि ढाई हज़ार कम से कम 100 लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा। 5000 के लिए कम से कम 50 लोग मुझसे मिलने आते हैं। तो इन सबको जब जोड़ते हैं ना, तो इन 3 महीनों के MBBS के टाइम में, जो कि अब मिड जून से शुरू हो गया, मिड सितंबर तक चलेगा, मैं एक ठीक ठाक से रकम अपने लिए कमा लेता हूँ। 50 से करीब हमारे प्रीमियम क्लाइंट भी आते हैं, जो आप जानते हो। तो मेरा मॉडल ये है, जो एजेंट लोग होते हैं, जो आपसे फ्री में बात करते हैं, कि घंटा फ्री में बात करते हैं, फिर आपको कॉल बैक करते हैं, फॉलो अप करते हैं, उनकी लड़कियाँ आपसे रुपया भी नहीं ले रहे, कहते आ जाइए जी, सब हम आपके लिए फ्री में कराएंगे। तो वो फ्री में क्या वो जनसेवा के लिए ऑफिस खोल के बैठे हैं? नहीं, वो अक्सर आपको उन्हीं कॉलेजों में भेजेंगे जो थोड़े हल्के होंगे, ये तमिलनाडु पौंडेचेरी की डीम्ड, या जो मैंने वो बाकी बॉटम 20 बताए, जहाँ बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत है सीट भरने की। और मैं उन 20 को तो बिल्कुल बदनाम करता हूँ अपने वीडियोज़ में, करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो फिर बचा क्या? तो जो 20 ख़राब हैं उनको तो मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में बदनाम कर चुका हूँ। अब देख लीजिए मेरे पुराने वीडियोज़, चलो गौतम बुद्ध देहरादून को तो मैं बदनाम कर चुका, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर को कर चुका, NC सराना को कर चुका, महावीर भोपाल को कर चुका, पैसिफिक एक वाले को जो उम्रदा है राजस्थान कर चुका, पौंडेचेरी की जो बाकी सारी डीम्ड है, ये विनायक मिशन, अरुणा पड्डी, नाम याद है, लक्ष्मी नारायण कर चुका बदनाम, तमिलनाडु की आ जाओ, भारत मेडिकल कॉलेज, वेल्स, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज कर चुका सबको, बचा क्या है? तो मुझे क्या ज़रूरत है छुपाने की? तो हम जब रिव्यू देने जाते हैं, क्योंकि एज ए जेन्युइन करियर काउंसलर मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे आप अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ो। और मैं तो जो 20-25 कॉलेज से ये भी कमीशन ही देते हैं, ये कहते हैं कि भाई नेगोशिएटेड फीस हो गई है, हम इससे कम फीस में देने को तैयार हैं। ये MP वाला हरियाणा वाला नहीं करता कम फीस, उसको तो बच्चे फिर भी मिल ही जाते हैं। कम फीस तो खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और पौंडेचेरी की डीवनी में होती है, क्योंकि उन्होंने खामखा में पहले फीस बढ़ा रखी है। और वो डायरेक्टली फ़ोन कर लो तो भी आपको दे देगा। हाँ, हमारे थ्रू किशोर के थ्रू जाते हो, वो कंसल्टेंट आपसे 50,000 रुपये इस बात का मांग लेता, जबकि वो कुछ खास खुद कर नहीं रहा। आप 8 का नाम ले लेता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ़ोन कर लो, अभी चले जाओ पौंडेचेरी, फ़्लाइट पकड़ो, विनायक मिशन जाओ, आरुपड्डी जाओ, लक्ष्मी नारायण जाओ, तमिलनाडु में भारत जाओ, मीनाक्षी मेडिकल जाओ, विनायक मिशन कराईकल जाओ, आपको दे देगा वो कम फीस में सीट। श्री सत्यसाई कांचीपुरम जाओ, हाथ की हाथ आपसे नेगोशिएट करेगा, बताओ जी कितने में डील डन करते हो, और ड्रेड भी कर सकते हो आप। बट उन कॉलेजों में जाना है नहीं जाना, ये तो आपकी चॉइस है ना। और मैं तो हमेशा उनके बारे में नेगेटिव, और मेरे जैसे शायद सारे ईमानदार जो करियर काउंसलर हैं वो यही बोलेंगे। हम आपको कभी सलाह नहीं देंगे कि जो 325 के करीब प्राइवेट कॉलेज है उसमें शायद 50 ही हैं जहाँ बिल्कुल नहीं जाना। और जॉली ग्रांड तो शानदार है, श्री गुरु राम राय तो शानदार है, MMU बुलाना तो शानदार है, MGM जयपुर तो शानदार है, शारदा शानदार है, MMU सोलन अच्छा है, मैंने कभी उसको शानदार नहीं कहा, DMC लुधियाना शानदार है, अभी मैं प्राइवेट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, गीतांजलि अच्छा है, अरबिंदो इंदौर शानदार है, RD गार्गी उज्जैन अच्छा है। तो बताइए जिसको मैंने अच्छा या बहुत अच्छा कहा, उसमें से किसको देख के आपको लगा कि सर ये जो कॉलेज का आपका रिव्यू था ना, ये जब हम खुद गए तो हमें मज़ा नहीं आया, और जिसको मैं ख़राब कह रहा हूँ वो एक्चुअली बहुत अच्छा था, और आप खामखा सा किसी को बदनाम कर रहे हो क्योंकि उसने आपको फ़ीस नहीं दी? तो हमें कहीं से कोई फ़ीस नहीं मिलती, इसलिए कभी कभी मेरे को छुप के वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि गौतम बुद्धा का जब मैं बदनामी कर रहा हूँ तो वो मुझे कैसे अलाउ करेंगे वीडियो बनाना, या NC मेडिकल पानीपत की मैं कर रहा हूँ, या वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर ही कर रहा हूँ, और जिनकी तारीफ़ें करता हूँ उनमें भी दो तरह के कॉलेज होते हैं। एक इतने बढ़िया हम कहते हैं जी वीडियो बनाने के लिए पूरी परमिशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डीन से मिलो, इससे मिलो, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं भी बताऊँ, देखिए अगर मैं एक वीडियो बनाने में 4-4 घंटे में नहीं लगाता, मैं जाता हूँ बस 10 मोटा मोटी मुझे कॉलेज का पता ही होता है, कोई स्पॉट ढूंढता हूँ, 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, मैं कॉलेज में आधा पौने घंटे से ऊपर नहीं लगाता। अगर मैं 6-6 घंटे लगाने लगूँगा कि, और 2 घंटे लगाने में भी दिक्कत नहीं है, वो तो कहते हैं परमिशन जी पहले फ़ोन करके आना चाहिए था, तो पहले मैं फ़ोन करूँ, परमिशन ले लूँ, टाइम मांगूँ, फिर मैं पर्टिकुलर उस दिन पर जाऊँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इतनी भी नहीं। तो मैं ये भी आपको ईमानदारी से कह दूँ, मैं जब कॉलेजेस जाता हूँ मैं तब जाता हूँ जब मेरी वहाँ पर कोई और विजिट हो रही होती है। मैं आज तक किसी कॉलेज के लिए स्पेशली नहीं गया। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे घूमने फिरने का भी शौक़ है एज ए पर्सन, और जैसा मैंने कहा MBBS इज़ नॉट माई ओनली वर्क, मैं स्टडी अब्रॉड भी करता हूँ, मैं करियर काउंसलिंग सेशंस देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में,
हम करियर प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं, जो बच्चे पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं यूएस वगैरह, तो लेट से मैं देहरादून एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए गया था, वहाँ मैं गया था तो मैंने आधा दिन निकाल के जॉली ग्रैंड गुरु राम राय चला गया, समझे बात को। मैं हरिद्वार गया था फैमिली के साथ तो मैं रास्ते में यूपी के दो कॉलेज में चला गया। मैं उदयपुर घूमने गया था तो मैं उदयपुर के पाँचों कॉलेज में चला गया दो ही दिन में, पाँच दिन का टूर था मेरा। जयपुर में जाता रहता हूँ, हमारी ब्रांच ऑफिस भी है तो मैं सारे कॉलेज जयपुर के चला गया। गंगानगर आई शुड से मैं स्पेशली गया था, ओवरनाइट ट्रेन थी दिल्ली से, ओवरनाइट ट्रेन पकड़ी, वहाँ चार पाँच घंटे बिताए, ओवरनाइट ट्रेन में वापस आए, तो शायद गंगानगर वाले ऐसा तांतिया ही मैंने वन ऑफ दी हाईएस्ट टाइम लगाया होगा अपना। बाकी तो सब देखिए रास्ते में मैं एक डेढ़ घंटा लगाता हूँ, मुझे जजमेंट हो जाती है। कोशिश मैं करता हूँ मैं सुबह 11 बजे पहुँचूँ, मैं ओपीडी देखता हूँ, मैं एम्बुलेंसेज देखता हूँ, मैं इंफ्रा पे नज़र मारता हूँ, मैं लोकल लोगों से बात करता हूँ, पेशेंट से बात करता हूँ, कॉलेज वालों से नहीं, पेशेंट से बात करके मैं हॉस्पिटल का जायजा लेता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, और फिर कभी मौका लगता है तो ऑफिशियली बात कर ली। इसलिए आप मुझे कभी भी MBBS कॉलेज में किसी ऑफिशियल के इंटरव्यू लेते नहीं देखेंगे, मैं वहाँ से बात ही नहीं करता, और मैं अपनी जजमेंट लेता हूँ बिल्कुल न्यूट्रल लोगों से। और जो मेरे कुछ अपने पैरामीटर्स हैं कि सुबह 11 बजे OPD में कितनी भीड़ है, हॉस्टल में जाके घूम के आया है कि हॉस्टल का इंफ्रा कैसा है, और इन सब चीज़ों से मैं जजमेंट करता हूँ, और शायद और सारे काउंसलर करते हैं। तो जो भी चिंता में है ना, घबराइए मत, जो भी जेन्युइन अच्छा काउंसलर है, हमें MBBS से किसी भी कॉलेज से कुछ नहीं मिलता, ज़रूरत ही नहीं है। हम आपसे इसलिए चार्ज करते हैं, आपसे अपनी काउंसलिंग की फ़ीस लेते हैं, और जिन कॉलेज से मिलता है वो मैंने आपको बता दिया, तो आप जजमेंट कर सकते हैं। बेंगलोर के शानदार कॉलेज आपको फ़ोन आते हैं, जो आपको वैदेही में लेके चलते हैं, आपको रमैया में लेके चलते हैं, वो सब आपसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं 1-2 लाख 50 हज़ार। सच बताऊँ तो आप डायरेक्टली जाके भी बात कर सकते हो, अक्सर हम लोगों में हिम्मत नहीं होती है तो आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो वरना। और कभी कभार ये भी है कि कॉलेज वाले आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं करते, वो कंसल्टेंट को करते हैं, बट कंसल्टेंट से भी वो क्या पैसे देंगे जिनकी सीटों के लिए लाइन लगी हुई है। और जो 20-25 कॉलेज है जिनकी सीटों के लिए लाइन नहीं लगी हुई, उनमें भी आधों की सीट तो भरी जाती है, और बाकी आधे भी जिस फीस कम कर देते हैं भर जाती है, वो तो बस वो खेलते हैं शुरू में ज़्यादा फीस लेने का, जो मैंने मुँह पे नाम ले दिए, तमिलनाडु और पौंडेचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। आई होप कि ये क्लियर हुआ आपको कि MBBS इंडिया के कॉलेजेस में कोई कमीशन कोई कट नहीं मिलता, इसलिए हम लोग आपसे पैसे लेते हैं काउंसलिंग में हेल्प कराने के लिए। मेरे जैसे जितने भी कंसल्टेंट होंगे जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, जो आपसे पैसे मांगते हैं बात करने के, वो इसलिए मांग रहे हैं कि हमें कहीं और से पैसे नहीं मिल रहे हैं, और जो आपसे फ्री में बातें करना चाह रहे हैं समझ जाइए, वो पैसे कहीं ना कहीं से तो कमाएंगे ना, तो या तो आपको बेवकूफ़ बना के कमाएंगे, या आपको घटे कॉलेज में बेच के कमाएंगे, या आपको ब्लफ करके कमाएंगे। अब वो आपने किसके किसके साथ जाना है, किसकी बात पे विश्वास करना है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।